सपोज एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी वन इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक, और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और बैटरी से चार्ज हो गया। बैटरी का जो पोटेंशियल है वी की वैल्यू वो 10 वोल्ट है, ठीक। और सपोज करो आपके पास एक और कैपेसिटर है सी टू जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है एंड ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और इसने बैटरी ने इसको भी पोटेंशियल दिया और कितना पोटेंशियल दिया सपोज 15 वोल्ट, ठीक है। दोनों से इसने वी लिया, फिर आपने इन दोनों कैपेसिटर्स को सी वन एंड सी टू को ज्वाइन कर दिया किसमें, इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पहला क्वेश्चन, दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में। सीरीज में तो देखो एक वायर का पार्ट है ये, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में लग तो सीरीज रहे हैं, है पैरेलल में। ऐसा कैसे पता था पैरेलल है, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो गया, क्योंकि अच्छा इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि ये वैसे पैरेलल में है क्योंकि ये एक प्लेट एक वायर के साथ कनेक्टेड है, तो अगर इसका पोटेंशियल V डैश है तो इसका पोटेंशियल भी V डैश होगा, कॉमन है ना, वो वायर के एंड पॉइंट्स पे V की वैल्यू सेम है। और अगर इस प्लेट का V डबल डैश है तो इसका V डबल डैश है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो कभी भी कॉमन पोटेंशियल की जब प्रॉब्लम आएगी तो कैपेसिटर्स हमेशा किस में कनेक्टेड होंगे, इन पैरेलल। कॉमन पोटेंशियल वैसे ही पता लग रहा है कि वी कॉमन है तो वी सेम है तो पैरेलल है, सीरीज में कभी नहीं लगाना, ठीक है। तो इस केस में ये पैरेलल में रहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी आफ्टर कनेक्शन, सी वन प्लस सी टू। तो इसमें कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। तो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सी वन क्या है 2, वी वन क्या है 10, सी टू क्या है 10 और वी टू क्या है 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10, राइट। तो इतने वोल्ट आंसर आएगा। इसको माइक्रो फैरेड में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि नीचे और ऊपर के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जब एक कैपेसिटर उल्टा कनेक्ट हो गया, जब ये उल्टा कनेक्ट हो गया तो ये वाली टर्म में ये आगे आएगी और ये पीछे आएगी, जो बड़ा चार्ज है वो छोटे को माइनस करेगा, तो कॉमन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो निकाल लोगे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल आपकी बुकलेट में एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें क्या गिवन है कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, आफ्टर शेयरिंग सी वन वी प्लस सी टू वी, इन्हें इक्वेट कर लिया, वी कॉमन आ गया, तो वी का फॉर्मूला क्या बन गया, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कॉमन पोटेंशियल। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं कॉमन पोटेंशियल के, और न्यूमेरिकल से भी पहले एक और टॉपिक है इसमें देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी।